सो गाइस लेट्स नाउ लर्न फॉर चैप्टर टू पॉलिनोमियल। तो इससे एक क्वेश्चन आता है वो भी 3 मार्क्स का, तो पहले इसका बता देता हूँ मैं आपको। सो इसका फंडामेंटल बेसिकली जो जनरल चीज़ है, हम किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक्स की पावर एन से स्टार्ट होगी और एक्स की पावर 1 तक जाएगी। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वही उसकी डिग्री पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। एंड सपोज अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ax + b, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 1 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 1 होगी। एंड सपोज एक और जनरल इक्वेशन है हमारे पास ax² + bx + c, एंड इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी, 2, देन इट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी द 2। एंड अगेन लेट्स जनरल फॉर्म ऑफ एक ax³ + bx² + cx + d, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या होगी, 3 होगी। सो मैं आपको बता दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट एक जी रूट होगा, एक जीरोस होगा, मतलब एक से ज़्यादा रूट नहीं हो सकता। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही रूट होंगे। एंड ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे और 3 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो सपोज इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, देन जो अगर हमारे रूट निकले हैं उसका सम हमेशा इक्वल टू होगा -b/a के। तो -b/a मतलब जो कोफिशियंट ऑफ x का होगा, तो कोफिशियंट ऑफ x के यहाँ क्या है, b, और कोफिशियंट ऑफ x² क्या है हमारा, a, और बाहर एक माइनस होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म करने के लिए कि हमारे जो रूट्स है और जो जीरोज है हमारे सही निकली है, उसको कंफर्म करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इफ योर रूट्स सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a आता है, देन जो आपने रूट्स निकाले वो ठीक है। ऐसी अगर हमारी जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक है, देन उसको कैसे कंफर्म करेंगे, उसके लिए सम ऑफ जीरोज α+β+γ इक्वल टू -b/a। एंड ऐसी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगी, ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, विद द सी इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड वेयर द ए इज द कोफिशियंट ऑफ x³। एंड इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा -d/a, वेयर द डी इज द कॉन्स्टेंट इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2-3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, यूजली इस क्वेश्चन से आता है, इस पोर्शन से आता है या फिर इस पोर्शन से आता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बेसिकली, सो पॉलिनोमियल में हमें डिवाइड करने को आते हैं, डिवाइड करना आता होगा आपको आई एम श्योर। सो px इक्वल टू gx + qx + rx, तो वेयर rx इज अ रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड gx इज द डिविजर एंड q इज द क्यू कोशेंट एंड p इज द डिवाइडेंट। डिवाइडेंट मतलब जिस जो डिवाइड हो रहा है, और q मतलब g मतलब जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एंड और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन, कभी भी लीनियर इक्वेशन की लाइन खींचेंगे तो हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वो ग्राफ होगा हमारा पैराबोला होगा, पैराबोला ऐसा कुछ होता है ऐसे और ऐसे, ठीक है। एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको ये सारे जो दोबारा से एक बार रिवाइज कराता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो या फिर आप इसे ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, और इफ रिमाइंडर rx = 0 देन gx इज द फैक्टर ऑफ px। तो ये तो ऑब्वियस है, अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो मतलब क्या है कि gx डिवाइड पूरी तरह डिवाइड कर रहा है px को, तो इसका ये मल्टीपल है, gx px का मल्टीपल है। और टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, तो आप अगर आपके पास
सम ऑफ प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो उसको आप इस जनरल फॉर्मूले में रख सकते हैं, जो कि है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, और वेयर द तो सम ऑफ जीरोस बेसिकली क्या है, इसमें कोफिशियंट है एक्स का, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है. तो गाइस दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर 2 विच इज पॉलिनोमियल्स, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव फन.